बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के सरधना क्षेत्र स्थित सिंडिकेट बैंक के गार्ड को गोली मारकर एक सिरफिरा बैंक की छत पर चढ़ गया। दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए लगातार फायरिंग कर रहा था, साथ ही ठुमके भी लगा रहा था। काफी देर तक पुलिस ने बहला फुसलाकर उसे नीचे उतारने की जुगत लगाती रही, लेकिन वह नहीं माना। एसएसपी अजय साहनी भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गए। बाद में पुलिस ने किसी तरह योजनाबद्ध तरीके से उस पर काबू पाया। सिरफिरा भी गोली लगने से घायल हुआ है। गार्ड व सिरफिरे को प्यारेलाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह घटना आज दोपहर सरधना थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा की है। खेड़ा का ही निवासी श्रीपाल आज दोपहर सिंडिकेट बैंक पहुंचा और उसने गोली मारकर गार्ड सुधीर कुमार को घायल कर दिया। सुधीर के हाथ में गोली लगी है। इसके बाद वह छत पर चढ़ गया और तमंचा लहराते हुए डीजे बजवाने की मांग करते हुए फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वह डीजे बजवाने की मांग करते हुए कई बार फायरिंग कर चुका है। ऐसी ही मांग को लेकर वह एक बार ग्राम प्रधान पर भी फायरिंग कर चुका है और पुलिस पर भी कई दफा फायरिंग की है उसने। फिलहाल जमानत पर वह बाहर बताया जा रहा है। इस बारे में एसएसपी अजय साहनी ने हमें जानकारी दी, आइए देखते हैं। ये श्रीपाल उत्कालू नाम का एक व्यक्ति है, सरधना थाना क्षेत्र का। एक सूचना मिली कि यह सिंडिकेट बैंक पर गया और सिंडिकेट बैंक में जो बैंक का गार्ड है उस गार्ड को इसने गोली मार दी। गार्ड को गोली लगने के बाद तत्काल थाने पुलिस वहाँ पर जैसे सूचना मिली 112 नंबर की गाड़ियाँ पहुँची, थाना पुलिस मौके पर पहुँची और इसको जब पुलिस ने घेरने का प्रयास किया तो एक छत पर चढ़ गया। इसके दोनों हाथों में कंटेनमेंट पिस्टल थे और कंटेनमेंट पिस्टल से लगातार फायर कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस टीम ने इसको लगातार घेर रखा है। सूचना पर मुख्यालय से टीम पहुंची, साथ ही से क्षेत्राधिकारी, एसपी देहात और मैं मौके पर पहुंचे। दो घंटे की भारी मशक्कत के बाद किसी तरह से इसको काबू में किया जा सका और पूरा पुलिस ने पब्लिक को क्षति और स्वयं की क्षति बचाते हुए इसको दबोचा और इस पूरी प्रक्रिया में इसको एक गोली लगी इसके पैर में और इसको अरेस्ट किया गया। इसके दोनों वेपन बरामद कर लिए गए जो पुलिस कस्टडी में है। उपचार हेतु इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। मुकदमा लिखकर कार्रवाई अग्रिम सुनिश्चित की जा रही है।